आजादी दी मुजाहिदीन दियां मुखबरियां कीतियां वह भी आजादी की जंगा लड़ सकते हैं। आजादी की जंगा ना साडे वड्डे लड़ियां, जेलां भी कटियां, अंग्रेज के खिलाफ भी खड़े होए, जला बतरी भी होए, लेकिन नशे नहीं। क्या है मशके सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तरफा तमाशा है, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेल लो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। ए दसो 8 महीने क्या थे तनहाई, साढ़े कारकुन भी आए, कोई रोंद आया बाहर निकलिया, कोई रोंद आया बाहर नहीं निकलिया, बल्कि बाहर आके क्या सितम कर, इधर आओ हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। अल्लाह रसूल दी जात है और इतमाद भरोसा अल्लाह रसूल दी जात है, लेकिन इत्थे तक अंबा दे पके हुए बाग भी आए, रफाल से दे पके हुए बाग भी आए, रस्ते पेट्रोल पंप भी आए, बड़ी बड़ी कीमती चीजें भी आईया, पूरे काफिले किसी ने एक कतरा पेट्रोल भी किसी तो बगैर पैसे देते नहीं भरवाया, और किसी ने पके हुए जनाब फसलों की तरफ और बागों की तरफ लगे हुए अंबा की तरफ किसी ने भी नहीं देखा, बल्कि क्या कि साडा कायद साड़ी अखा में सोना ते मिट्टी बराबर करके रहा। एक गल्ला साड़ी ए चीजा साड़ी आंखें हैसियत ही नहीं रखदियां। ए पूरा काफिला गुजरेगा इन्हों को तो 10 साल ना लुट मार कर दी, और लोग कहने लुटन मारन वाले, ए मैं सारे ताजा को दावत देना कि साढ़े किसी कारकुन ने थोड़ी किसी शहर वाल मैली आख करके भी देखे, असं सियासत छड़ देंगे, असं इन्हों की तरबियत करके लिया। इमरान खान है, मैंने कहा हमारी कोई रेड लाइन नहीं, हमारी रेड लाइन सिर्फ और सिर्फ नामों से रिसालत है, और अगर उस पर बात आई तो तुमने देखा है हमने जाने पहले भी दी है, बचा कर नहीं रखी, अल्लाह की कसम नहीं बचा कर रखी, आए के पूछ रहे बताएं क्या करना है, और लोग नारा लगाते हैं कायद कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। अमीरुल मुजाहिदीन के सामने जब ये कहा फरमाया चलो असी तो हुजूर दे नाते गर्दने बधाई हो यार कदम दी तो पीछे रह गए, हाँ और हमने गर्दने रखी हुजूर के नाम के लिए, हाँ कोई मकसद नहीं जिंदगी का। और अगर तुम कहते हो कि जनाब तुम उनकी मानकर और अपने आकाओं की मानकर और उनका निजाम चलाकर और उनकी बातें मानकर अगर बेटियां फरोख्त करने पर आते हो तो याद रखो फिर मोहम्मद बिन कासिम के वारिस जिंदा है, महमूद गजनवी के वारिस भी जिंदा है, और तारिक बिन ज़ियाद के वारिस भी जिंदा है। इंशाल्लाह अभी तो हम चले हैं ना, लोग कहते हैं जी लबैक वाले निकले हैं क्या होगा, मैंने कहा लबैक वाले अभी कराची से निकलकर रेनाला खुर्द आए हैं, पेड़ी नीचे उसके नीचे घी थे और जनाब हर चीज नीचे, और अभी इस्लामाबाद का बहुत सारा सफर बाकी है, वहां जाएंगे तो फिर जुल्म का निजाम नीचे और मोहम्मद अरबी का दीन ऊपर सफर। एमएनएशिप और एमपीएशिप का नहीं है ये सफर, बनी गाला का नहीं है ये सफर, जाति उमरा का नहीं है ये सफर, बिलावल हाउस का नहीं है ये सफर, मदीना तैबा का है। ये सफर है जो कहते थे हम इनको रुलाएंगे आए, और जो कहते थे जनाब हम क्यों कर देंगे, हम आजादी की जंग लड़ेंगे, और एक वो जो उठा था कहता था वोट को इज्जत दिलवाऊंगा, 50 रुपए के स्टाम्प पर लंदन भागा हुआ है, शायद आपको समझ नहीं आई मैं नवाज शरीफ के बारे में बात कर रहा हूं, क्या बात। और दूसरा जो कहता था मैं आजादी की जंग लड़ूंगा और इनका, और कहता था इनको रुलाऊंगा, बेचारे जितने महीने हमारे बुजुर्गों और कारकुनों ने जेलें काटी ये तो उतने दिन भी नहीं निकाल सके बेचारे।